नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान के यूट्यूब चैनल पे। और आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप प्लस टू साइंस यानी ट्वेल्थ साइंस का स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मेडिकल में कुछ कोर्स करें, तो मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूं दोस्तों, बीएससी इन नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, बीएससी इन नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वो भी यूरोप कंट्री में, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है यूरोप कंट्री में पढ़ाई करने का। और अगर आपका भी ये सपना है यूरोप कंट्री में पढ़ाई करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बनता है दोस्तों। जितना खर्चा आप इंडिया में करते हैं बीएससी इन नर्सिंग का, उतना ही अमाउंट में आप ये जो कोर्स है इसे आप कर सकते हैं यूरोप कंट्री से। वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि मैं हर स्टेप को बारीकी से बताऊंगा, कितना रुपया खर्चा होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको इसमें कोई एग्जाम की जरूरत है अगर आप जब पढ़ाई करने जाते हैं, कहां पढ़ना है आपको, कितना दिन का कोर्स का ये ड्यूरेशन है, इसके बाद आपको क्या फायदा होने वाला है, तो इन तमाम चीजों के बारे में दोस्तों आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और वीडियो में आखिर तक बने रहना है। वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर से मेरे क्वेश्चंस आएंगे कि सर एक डॉलर कितना होता है, वहां कौन सा मनी चलता है, वहां पर आप जाने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा अगर आप वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे। आज का इस नया वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बीएससी इन नर्सिंग इन यूरोप कंट्री। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्वेल्थ का स्टूडेंट हैं, इस साल पास कर चुके हैं और 50% अगर मार्क्स है आपके पास पीसीबी के साथ, जी दोस्तों बी ग्रुप होना चाहिए, पीसीबी, अगर पीसीबी के साथ आप 50% मार्क्स है आपका, तो आप एलिजिबल हैं बीएससी इन नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। इसमें ना तो कोई आईएलटीएस एग्जाम की जरूरत है, ना कोई जीआरई एग्जाम की जरूरत है, आप डायरेक्टली इसमें एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। इन डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कितना रुपया खर्चा हो सकता है, बीएससी नर्सिंग का जो टेन्योर है वो कितना साल का है, और आप कैसे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप साइंस का स्टूडेंट हैं, पीसीबी विद 50% है, देन यू आर एलिजिबल, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों बीएससी नर्सिंग टोटल 4 साल का है, यानी 4 ईयर्स का है। 4 ईयर में आपका 8 सेमेस्टर होने वाला है। 8 सेमेस्टर में आपको दोस्तों 6 महीना में डिवाइड किया जाएगा, हर 6 महीने में 1 सेमेस्टर होगा। 1 सेमेस्टर में दोस्तों आपको 4 महीना जो है वो यूक्रेन में रहना है, और जो 2 महीना जो बचा दोस्तों आपको क्लिनिकल शिप के लिए जाना पड़ेगा आपको जर्मनी। तो 4 महीना आपको यूक्रेन में और 2 महीना आपको जर्मनी में। तो ये हर सेमेस्टर वाइज आपका ये जो प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहला साल की अगर बात करो दोस्तों, तो आपको $5,000 पे करना होता है। $5,000 अगर आप उसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट अगर आज की बात करूं मैं, 72 रुपया 70 रुपया कुछ होगा डॉलर का प्राइस, तो 3.5 लाख से 3,70,000 रुपए को खर्चा होगा दोस्तों। दोस्तों तो जो मैंने 5,000 जो डॉलर कहा, उस $5,000 में होता यह है कि आपको उसमें फूडिंग, आपका एडमिशंस, आपका एकोमोडेशन सब कुछ आ जाता है फर्स्ट ईयर का, यानी कि 1 साल का। ये दोस्तों हो गया फर्स्ट ईयर का कंप्लीट खर्चा, यानी कि $5,000 अगर आप पे करते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर निकल गया। अब बच गया आपके पास 3 साल, बाकी 3 साल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो सेकेंड ईयर से आपका खर्चा होने वाला दोस्तों $2,500। आपने सही सुना, $2,500। ठीक है, इसमें आपका जाएगा ट्यूशन फीस एंड एकोमोडेशन। फूडिंग के लिए आपको अलग से पे करना होगा, जो होगा $100 से $150 पर मंथ। आपको मैंने पहले बता दिया कि आप जब भी सेकेंड ईयर में रहें, थर्ड ईयर में रहें या फोर्थ ईयर में रहें, आपको 2 महीना क्लिनिकल शिप के लिए आपको जाना पड़ेगा जर्मनी। अब बात करें दोस्तों फायदे की, तो अगर आप जाते हैं यूक्रेन में पढ़ाई करने का फायदा क्या होगा। सबसे पहले आप यूरोप कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, पहला फायदा। दूसरा है दोस्तों, अगर आप वहां जाते हैं तो आपका जो पर्सनल जो ग्रूमिंग करते हैं आप, वो बहुत हाई हो जाता है। थर्ड बेनिफिट जो है दोस्तों, आप जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं तो आपका डिमांड जो है बहुत हाई हो जाता है,
अब जब इंडिया अगर वापस आते हैं काम करने के लिए, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जर्मनी या फिर कहीं भी यूरोप कंट्री में आप अपना सेटल हो सकते हैं, अपना जॉब कर सकते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको इंडिया में काम करना है, तो इंडिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दोस्तों बहुत सारे वैकेंसी रहते हैं, जहां पर आपको मुई महंगे सैलरी मिलता है और अच्छा खासा पोजिशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट फायदा दोस्तों, जैसे आप पढ़ाई कर ही रहे हैं यूक्रेन में, तो आप जा रहे हैं जर्मनी आपका क्लिनिकलशिप के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका करियर के लिए। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ड्यूरिंग योर कॉलेज अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख जाते हैं 4 साल में, तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट मिल जाएगा जर्मनी में। अब बात करें, आपने पढ़ाई तो कर लिया, अगर आपको जर्मनी में जॉब मिल जाती है तो सैलरी कितना होगी? तो दोस्तों अगर इनिशियल लेवल की बात करूं, तो जर्मनी में आपका सैलरी दोस्तों 2000 से लेके 2500 यूरो मिनिमम सैलरी होता है, जो कि इंडियन रुपए की बात करें तो इट्स मोर देन 1,70,000 टू 2,50,000 रुपीज इंडियन रुपी। है ना कमाल की बात। इंडिया में कितना सैलरी मिलता है? इंडिया में ले देगा दोस्तों 30 से 35 मैक्सिमम 40,000 तक सैलरी मिलता है नर्सों को, ठीक है। और इंडिया में पढ़ाई करते भी हैं तो वो होता है ना घर के मुर्गी दाल बराबर, तो रेस्पेक्ट ज्यादा मिलता नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपना करियर को थोड़ा ऊंचाई देने के लिए, ठीक है, करियर में कुछ उछाल लाने के चाहते हैं दोस्तों, तो यूरोप इज द राइट डेस्टिनेशन फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर बीएससी इन नर्सिंग। अगर आपको इन डेप्थ में इसका जानकारी चाहिए, तो नीचे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, मेरा ईमेल आईडी दे दूंगा, आप अपना क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यू कैन डीएम मी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू देन एंड देयर। फिर भी अगर नहीं कर पाया मैं, तो शाम तक आपका रिप्लाई जरूर मिल जाता है दोस्तों। अगर पहले बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, इस प्रकार वीडियो आपको हरदम मिलता रहे, क्योंकि मैं लाते रहता हूं मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडी, जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड करियर रिलेटेड प्रोग्राम दोस्तों, जो आपका करियर के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। आज के लिए बस इतना ही, आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।